नमस्कार दोस्तों, मैं योगी योगेंद्र आप सभी लोगों का ऑटो गैलेक्सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सभी लोग कार या बाइक की तो सवारी किए ही होंगे और उसको तेजी से रफ्तार में भी चलाया होगा, लेकिन उस तेजी से रफ्तार में ब्रेक लगाने के लिए हमारे पास कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं आज दो ब्रेक के बारे में बताऊंगा जो कि है ड्रम ब्रेक वर्सेस डिस्क ब्रेक। तो ड्रम ब्रेक वर्सेस डिस्क ब्रेक में हम सबसे पहले जो कुछ पॉइंट्स के बारे में बताएंगे वो ऐसे हैं कि इनके सबसे पहले हम बेसिक के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद इसके स्टॉपिंग के बारे में बताएंगे कि कैसे स्टॉप होती है, उसके बाद हम लोग इसके जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसके बारे में आपको बताएंगे, फिर उसके बाद इसमें क्या डैमेज हो सकता है वो बताएंगे, फिर ब्रेक लॉकिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे, और उसके बाद इसमें हम ये भी बताएंगे कि हीट डिसिपेशन कैसे होता है इसमें, और उसके बाद इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या रहती है, और लास्ट में जो ये फाइनल प्राइस क्या रहेगा इन दोनों का। तो ये रहेगा आज का टॉपिक और ये रहेंगे उस टॉपिक के अंदर के कुछ मेन मेन पॉइंट। तो हमारे साथ बने रहिए और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, तो इसलिए कहीं भी किसी भी तरीके से स्किप मत करिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी डिस्क ब्रेक के बारे में और ड्रम ब्रेक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी हाँ, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक के बारे में। तो बेसिक मतलब कि ड्रम ब्रेक और डिस्क ब्रेक। तो ड्रम ब्रेक कैसे पहचानेंगे कि ये हमारी ड्रम ब्रेक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि ड्रम ब्रेक जो रहती है वो आपकी मोस्टली जो छोटी बाइक्स होती हैं, यानी कि जो कम रेंज वाली बाइक्स होती हैं, उनमें क्या होता है कि ड्रम ब्रेक यूज होता है, और जो हाई कॉस्ट वाली जो बाइक्स होती हैं उनमें हमारी डिस्क ब्रेक यूज होती है। ऐसा इसलिए होता है कि उसके कॉस्टिंग की वजह से। तो सबसे पहले हम उस मुद्दे को ना छोड़ के आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको बेसिक के बारे में। तो बेसिक में अगर आपको मैं बताऊं तो जो ड्रम ब्रेक होती है उसमें आपकी ब्रेक्स को यूज होती है, यानी कि जो रबड़ के जो टुकड़े होते हैं वो आपके यूज होते हैं। लेकिन जहां पर डिस्क की बात करते हैं तो वहां पर एक डिस्क यानी कि एक तवा टाइप का बना होता है, और वो डिस्क जो रहती है वो काफी कहीं पर छोटी कहीं पर बड़ी हो सकती है। तो ऐसे हम पहचानेंगे इसको कि कौन सी ड्रम ब्रेक है और कौन सी डिस्क ब्रेक है। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्टॉपिंग पावर के बारे में। तो स्टॉपिंग पावर क्या है, मतलब वो पावर जब हम हाई स्पीड में बाइक या कार चला रहे होते हैं उस टाइम पे हमें इमरजेंसी में ब्रेक लगानी पड़ती है, तो हमें जो ज्यादा पावर वाली ब्रेक होगी उसी में आपको ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा और बहुत जल्दी ही आपकी जो बाइक या कार होगी वो रुक सकेगी। तो हम आपको बताते हैं कि डिस्क ब्रेक जो रहती है वो यहाँ पर बाजी मार जाती है, क्योंकि डिस्क ब्रेक की पावर इससे ज्यादा होती है। चलिए हम आगे आते हैं और बात करते हैं ड्रम ब्रेक के बारे में। तो ड्रम ब्रेक क्या रहता है कि ड्रम ब्रेक में जो पावर रहती है वो डिस्क ब्रेक के मुकाबले काफी कम होता है, और ये रबड़ के टुकड़े इसमें होने की वजह से ये क्या होता है कि थोड़ा सा पावर इसमें कम हो जाती है। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि डिस्क ब्रेक में क्या होता है कि आपके पास ऑप्शन भी रहता है, आप उसमें डिस्क ब्रेक यानी कि ये एमएम में आती है, कहीं पे छोटी डिस्क होती है, कहीं पे इससे बड़ी डिस्क होती है, इसकी पावर बढ़ भी सकती है। और इसमें एक और चीज होती है कि डिस्क ब्रेक में क्या होता है कि डिस्क ब्रेक में आप डुअल डिस्क ब्रेक भी लगा सकते हैं, और इसमें क्या होता है कि आप उसकी एमएम को बढ़ा करके, यानी कि टोटल कहें तो डिस्क में आप अपनी पावर को और इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ड्रम ब्रेक में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है, आप किसी भी तरीके से नहीं आगे बढ़ा सकते हैं, तो यहीं पे लिमिटेड होता है ड्रम ब्रेक, लेकिन जो डिस्क ब्रेक होता है वो अनलिमिटेड रहता है, उसको आप जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी कि जो आप ब्रेक लगाते हैं तो कितना डिस्टेंस आगे जा करके आपकी जो बाइक या कार होती है वो रुकती है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि मैंने इससे पहले आपको जैसे बताया पावर, ये वाला जो पॉइंट है वो आपका इससे पहले पावर वाले पे, यानी कि जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी ही जल्दी आपका ये रुकेगी बाइक या तो कार। तो इससे ये पता चलता है कि जो डिस्क ब्रेक रहती है उसमें पावर ज्यादा होती है, उस वजह से आपका डिस्टेंसिंग पावर कम होगी, और ड्रम ब्रेक में क्या होगा कि डिस्क के कंपैरिजन में थोड़ा सा दूर जाकर के आपकी बाइक या कार रुकेगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डैमेजिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि आपका कितना ज्यादा इंपैक्ट करेगी इसमें आपका डिस्क या तो कार। डिस्क ब्रेक व्हील के अंदर लगे रहते हैं और फ्रेश एयर मिलते रहने से जल्दी खुल जाते हैं। वहीं ड्रम ब्रेक व्हील के अंदर प्लेट्स होते हैं
जिससे वे ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और गर्मी में उतने असरदार नहीं होते, इसलिए गर्मियों में डिस्क ब्रेक ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो डिस्क ब्रेक में मेंटेन करना काफ़ी आसान होता है क्योंकि वे व्हील के बाहर ही लगे होते हैं, वहीं ड्रम ब्रेक व्हील के अंदर लगे होते हैं, इसलिए कुछ भी काम कराने के लिए हमें पूरा व्हील को खोलना पड़ेगा। मजबूती के मामले में ड्रम ब्रेक बाजी मार लेता है। ड्रम ब्रेक पर मजबूत कोटिंग की जाती है जिससे उनके टूटने का खतरा कम रहता है, वहीं डिस्क ब्रेक पूरी तरह से खुले रहते हैं इसलिए इनमें टूटने की आशंका बनी रहती है। ड्रम ब्रेक के साथ ABS फिट नहीं किया जा सकता, वहीं डिस्क ब्रेक के साथ ABS लगने पर बाइक की सुरक्षा और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। डिस्क ब्रेक का कोई पार्ट या फिर डिस्क ब्रेक खराब हो जाता है तो उसे बदलाया जा सकता है। वहीं ड्रम ब्रेक व्हील के अंदर से कनेक्टेड होते हैं और वे कई बार अंदर ही अंदर व्हील को बड़ा नुकसान पहुंचा जाते हैं जो कि ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। बारिश में जब बाइक के व्हील पूरी तरह से गीले हो जाते हैं उस समय ब्रेकिंग का विशेष ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में ड्रम ब्रेक जब लगाए जाते हैं तब ब्रेक शू और लाइनिंग के बीच सही पकड़ नहीं बन पाती और ब्रेक अधिक कारगर तरीके से नहीं लगते। वहीं पर बारिश का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे ही डिस्क ब्रेक लगाए जाते हैं वे बाइक को रोकने में कारगर साबित हो जाते हैं। ब्रेक लॉकिंग सिस्टम में मैं आपको बता दूं कि ऐसे में क्या होता है कि जो आपकी डिस्क होती है उसमें ज्यादा चांस रहते हैं लॉक होने के कंपैरिजन टू द डिस्क। मैं आपको बता दूं, आपको ये छोटी सी जानकारी तो पहले से ही पता होगी कि आप जैसे ही डिस्क लगाते हैं, डिस्क ब्रेक लगाते हैं तो सडनली रुक जाती है, लेकिन जैसे ही आप ड्रम ब्रेक लगाते हैं तो आपको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। ये बात तो आपको पता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक और जानकारी आपको देना चाहता हूँ, वो ये है कि जो आपकी डिस्क ब्रेक है उसका लॉकिंग पीरियड तो ज्यादा होता है, लॉकिंग तो ज्यादा होता है, लेकिन अगर वहीं पर लॉकिंग के साथ अगर वहीं पर डिस्क के साथ में अगर वहां पर ABS दे दिया जाए तो आपकी उससे बेहतर कोई भी ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि आपकी वहां पर लॉकिंग का सिस्टम खत्म हो जाएगा। और ड्रम में क्या होगा कि वहां पर ABS की जरूरत ही नहीं पड़ती है मोस्टली, क्योंकि वो क्या होते हैं कि छोटी गाड़ियां बनाई जाती हैं, वो ज्यादा हाई स्पीड की नहीं होती हैं, तो उनमें ABS इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ब्रेक फेलियर सिस्टम के बारे में, तो ब्रेक फेलियर जो सिस्टम रहता है उसमें क्या होता है, उसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि ब्रेक फेलियर सिस्टम यानी कि आपका ब्रेक किस टाइम पे ज्यादा तरीके से फेल हो सकता है। तो यहाँ पर भी आपका जो डिस्क रहती है, डिस्क में ज्यादा खतरा है फेल होने की, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आपका डिस्क ब्रेक होती है उसमें आपका डिस्क में आपका फ्लूइड की जरूरत होती है, जी हाँ, एक तरल पदार्थ की जरूरत होती है, और वो क्या करती है, एक पाइप के थ्रू से ब्रेक तक जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो पाइप होता है वो किसी भी कंडीशन में अगर मान लीजिए वो फट जाए या फिर किसी भी तरीके से डैमेज हो जाए तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी डिस्क ब्रेक रहेगी वो डैमेज होने का खतरा ज्यादा रहेगी। इसी जगह में मैं अगर बताऊँ आपका ड्रम ब्रेक के बारे में, तो ड्रम में क्या होता है कि ऐसे में जो वायर होता है, ऐसे में जो वो वायर होगा तो वायर के थ्रू से जाता है और वायर के कटने या फिर डैमेज होने के चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं। तो ये चीज आ जाती है आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पर ड्रम ब्रेक, तो ड्रम ब्रेक यहाँ पे आगे निकल जाता है डिस्क ब्रेक के मुकाबले। नेक्स्ट मैं अगर यहाँ पर बात करूँ इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में, तो मेंटेनेंस कॉस्ट में अब आपको मैं बता दूँ जो डिस्क होती है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है ड्रम ब्रेक के कंपैरिजन में। इसके बाद मैं अब बात कर लेता हूँ हीट डिसिपेशन के बारे में, तो हीट तो आपके दोनों करेंगे लेकिन दोनों में होता ये होता है कि कौन हीट को जल्दी एब्जॉर्ब करके जल्दी उसको ठंडा कर सके। तो ऐसे में क्या होता है कि डिस्क जो रहती है वो आपकी बाजी मार जाती है ड्रम के कंपैरिजन में, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो डिस्क रहती है जो उसका तवा होता है वो बाहर के साइड होता है, और ऐसे में क्या होगा जब अचानक यानी सडनली से आप ब्रेक मारते हैं तो ऐसे में क्या होगा वो तवा जो हीट होगा तो एनवायरमेंट में संपर्क में आते ही वो क्या होगा कि जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन जब आप सडनली ब्रेक मारेंगे ड्रम ब्रेक में तो ऐसे में क्या होगा कि पहली चीज तो वो आपका डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, तो ऐसे में क्या होगा कि हीट भी उसमें ज्यादा होगी और वो जो ब्रेक रहेगी वो आपके अंदर के साइड में होती है यानी कि व्हील के अंदर ही होती है उसमें, तो ऐसे में क्या होगा कि उसका हीट डिसिपेशन ज्यादा होगा और वो ठंडा भी काफी देर में होगा। तो ये रहेगा एक मेन पॉइंट, और
ध्यान रखिएगा कि ऐसा बहुत ज्यादा होता है ट्रम्प रैंक में। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें ओवरऑल कि आपको कौन सा लगवाना चाहिए और कौन सा नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सिर्फ अपनी बाइक को नॉर्मल तरीके से चलाते हैं और आप ज्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि आप एक सस्ती बाइक ले सकते हैं और उससे किसी भी तरीके का की कोई भी स्टैंड या फिर अदर कोई भी तरीके की एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आप नॉर्मल एक सस्ती बाइक लीजिए, उसमें आपको ग्रम ब्रेक मिलती है और आराम से आप उसको चला सकते हैं कम पैसे। लेकिन अगर यहीं पे आप स्कूल बॉय हैं या फिर आपकी बहुत सारी आपका एक स्टेटस है, आप एक तरीके से समाज के साथ में बराबर टेक्नोलॉजी के साथ में चलना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि एक मस्कुलर बाइक आपके पास होगी तो उसमें क्या होगा कि आपकी डिस्क ऑलरेडी लगी हुई होगी। Thank you for watching my video. Please don't forget to subscribe and share this video. If you have any query, comment below now.